दोस्तों अपन पहुंच गए हनुमान धारा और भाई ऑटो वाले भाई साहब को यहीं तक साथ तो उनको अलविदा था और अभी अपन निकले रहे। अब यहां से सीढ़ी के द्वारा चलना है आपको। हनुमान धारा पहाड़िया के ऊपर है और उन्हीं का स्थान है हनुमान जी का, वो पहाड़िया पे स्थित है। और वहां जाने के लिए दो रास्ता है, एक तो है लिफ्ट द्वारा और एक है आप सीढ़ियों के द्वारा जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं सीढ़ियों के द्वारा। हेलो फूलल भाई, भाई वो बहुत ऊंची छड़ियां लगी यहाँ पर और हाथी जांघ लगी। कहाँ फूट है? बोल रहा है महाराज। बोलो पंजे कहाँ है? ₹2 जो श्रद्धा है, कलेश काटने वाली गंगा माई, दुख को दूर करने वाली, दूध पूछ के देने वाली गंगा भाई, गरीब से गरीब रुपया से रुपया चढ़ा के जाता है। दर्शन कर लाए हनुमान धारा के, वो हनुमान जी के भी दर्शन कर लाए अंदर जाके। और बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मंदिर और बहुत बढ़िया स्थान है और यहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा हूँ। और जो पीछे पाइक में पानी गिर रहा है हनुमान धारा, यानी हनुमान जी वही धारा है जो यहाँ से प्रकट है और यहाँ पर गिर रही। और एक बात और है, हनुमान धारा जो यहाँ है इसमें वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी लेकिन अभी तक कोई पता नहीं पा पाया कि यानी पानी कहाँ से आ रहा हो। जो गंगा माई यहाँ आ रही वो पानी को अभी तक कोई मालूम नहीं कि कहाँ से आता है। और एक बात और, यहाँ पे लोग बताते हैं कि जो हनुमान धारा निकल रही जो हनुमान जी की दाहिनी भुजा से दाहिनी एक भुजा से निकले, जो मालूम नहीं है किस भुजा से निकल रही। कहाँ पड़ो कहाँ से पड़ो मनोकामना का सिक्का टिका लेना, सब यही मनोरथ लगाई जाती है। रुक जाओ आ जाती इस जगह पे अपनी मनोकामना जो भी है वो पूर्ण होती है। एक सिक्का डाल आई से चला जाए।
पहाड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पे है मैया सीता की रसोई, तो वहाँ का भी नज़ारा एक नंबर है। दोस्तों इस बेड गो के करते हैं एंड, और बेड गो कैसा लगो आप कमेंट करके जरूर बताने, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करो हो तो चैनल कर लियो सब्सक्राइब, आपको ऐसे ही बेड गो मिलेंगे।